आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। रुकन पार्लियामान हैदराबाद की जानिब से शुरू करदा लर्न प्रोजेक्ट के तहत प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी। तारीखी इमारत गोलकुंडे में बैरिस्टर ओवैसी ने तालिबात से किया तबादले ख्याल। इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई का मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किया खैर मकदम, हुकूमत के इकदाम पर मसरत का इजहार। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से तकमील शुदा कामों का रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुआयना, मुख्तलिफ असेंबली हल्के जात का तूफानी दौरा। एसीबी के हाथों सिटी सिविल कोर्ट का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, महकुम इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों की जानिब से कार्रवाइयां जारी। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से नौजवान तलबा और तालिबात से तबादले ख्याल और सकाफती फिरसे के बारे में मालूमात फराहम करने की गरज से लर्न प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, यूथ पार्लियामेंट, हेरिटेज वॉक, यूथ बैठक, टाउन हॉल मीटिंग्स के अलावा दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तालीम ही के जरिए तरक्की के जीने तय किए जा सकते हैं और तालीम ही से इंसान बाशऊर बनता है। तालीम की अहमियत उजागर करने और हैदराबाद के सकाफती विरसे से नौजवान तलबा को वाकिफ करवाने की गरज से रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लर्न प्रोजेक्ट का आगाज किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत यूथ पार्लियामेंट, हेरिटेज वॉक्स, यूथ बैठक्स, टाउन हॉल्स प्रोग्राम्स, पोस्टर मेकिंग और क्विज़ों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल की सुबह तारीखी इमारत गोलकुंडे में मुंतखबा तालिबात के हमरा हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिया और यूथ पार्लियामेंट के तहत मालूमात फरहाम की। जैसा कि लैंड प्रोजेक्ट का एजेंडा बनाया गया है कि आपके एमपी आपको दावत देते हैं कि लोकसभा 2019 का एजेंडा तैयार कीजिए, इसी के पेश नज़र मुख्तलिफ मुकामात पर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मंगल को गोलकुंडे में मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में सिर्फ तालिबात ही को मदऊ किया गया था जिन्होंने ऑनलाइन इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार किया था। इसी तर्ज पर इससे कबल तारीखी इमारत चारमीनार में भी असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद कर चुके हैं, जिसके तहत तारीखी इमारत की मालूमात के अलावा उन्होंने दीगर सवालात के तशफी बख्श जवाब भी दिए थे। इस प्रोजेक्ट का एक और प्रोग्राम निकलिस रोड पर मुनक्किद हुआ था जिसमें मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर आयशा रुबीना के हमरा दीगर माहरीन तालीम ने शिरकत की थी और हाजरीन के सवालों के जवाब भी दिए गए थे। गोलकुंडे में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में तालिबात ने तारीखी विरसे के हवाले से सवालात किए जबकि जनरल सवालात भी किए गए जिनके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तशफी बख्श और इत्मीनान के साथ जवाब भी दिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा मजलिसी रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहीउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले दिनों में टाउन हॉल्स प्रोग्राम्स, क्विज़ों के अलावा दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद भी अमल में आएगा। इस प्रोजेक्ट में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद तलबा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि यकुम मार्च से जिले करीमनगर के टाउन में मुनक्कदा टीआरएस पार्टी की मीटिंग से सदर टीआरएस वजीर आला के चंद्रशेखर राव पार्लियामानी इंतखाबात के लिए टीआरएस की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज करेंगे। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्लियामानी इंतखाबात के लिए टीआरएस अपनी मुहिम का ज़िले करीमनगर से आगाज़ करेगी और सिलसिले में यकुम मार्च को करीमनगर टाउन में पार्टी की एक मीटिंग का इनेखाद अमल में लाया जा रहा है, जिसको वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामा राव मुखातिब करेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में पार्टी की ज़बरदस्त कामयाबी से पार्टी कारकुनों और कायदीन में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है, जबकि आवाम भी टीआरएस के साथ है और ये उम्मीद की जा सकती है कि टीआरएस 16 पार्लिमानी हलके जात में ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी। फल साध मन सरपंच की जगह एन कात सर्पंच गेलुकोनी प्रजाक्षेत्र में टीआरएस पार्टी तिरुगु लेने शक्ति एदिगिंदि। टीआरएस सुप्रीम पार्लियामान विनोद कुमार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने रियाला केसीआर की नुमाइंदगी पर तयकुन दिया है कि किसी पार्टी को भी ट्रक का निशान नहीं दिया जाएगा, अलावाजी मोटर कार के निशान को और वाजह करने पर भी रजामंदी का इजहार किया है। सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मकतूब भी मौसूल हुआ है। टीआरएस रुकने पार्लियामान विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी नुमाइंदगी पर पार्लियामानी इंतखाबात में किसी भी पार्टी को सड़क यानी ट्रैक का निशान ना देने और मोटर कार के रंग को मजीद नुमाया करने पर रजामंदी जाहिर करते हुए पार्टी को एक मकतूब रवाना किया है। टीआरएस रुकने पार्लियामान विनोद कुमार ने बताया कि असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी को सड़क का निशान देने की वजह से टीआरएस को हासिल होने वाले वोट समाजवादी पार्टी के हक में चले गए थे, जिससे पार्टी की अक्सरियत में कमी वाक़ हुई है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी पेरेट मरी ट्रक गुर्तुपेट्टुकोनी पोटी चेशारु, कोंतमंदि पोटी चेशारु, పోటీ చేసిన స్థానాల్లో 5000 కంటే ఎక్కువ వచ్చినటువంటి ఓట్లు చాలా ఉన్నాయి. ఒకలు ఇద్దరు ముగ్గురు అభ్యర్థులు స్వల్పంగా ఓడిపోయినటువంటి అభ్యర్థులు, మా పార్టీ అభ్యర్థులు ఈ ట్రక్ గుర్తు వల్లనే ఓడిపోవడం జరిగింది. మరి పక్కకున్న రసమే బాలకృష్ణ గారి కాన్సెన్స్లో 14500 ఓట్లు పడ్డాయి. ఆడ జాతీయ రాజకీయ పార్టీల కంటే ఎక్కువ ఓట్లు పడ్డాయి. ఆయనకు భారీ మెజారిటీ వచ్చింది కాబట్టి తప్పించుకోగలిగిండు. ఇట్లా చాలామంది మా శాసనసభ్యులకి చాలా నేరోగా వచ్చినాయని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా మీ గణాంకాలు చెబుతూ ఎలక్షన్ కమిషన్కు రిప్రజెంట్ చేశాం. ఈరోజు మాకు లిఖితపూర్వకంగా లేఖ వచ్చింది. సదర్ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కి ఖయాదత్ మే పార్లమానీ ఇంతఖాబాత్ కా జాయజా లేనే కి గరజ్ సే और हिकमत अमली को खतियत देने के सिलसिले में गांधी भवन में एक अजलास का इनेकाद अमल में आया। अजलास में कई दीगर उमूर और असेंबली इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्लिमानी इंतखाबात का जायज़ा लेने के लिए गांधी भवन में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, साबिखा अराकीन असम्बली डॉक्टर गीता रेड्डी, वंशी एम चंदर और दीगर ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में असम्बली इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात का जायज़ा लेते हुए इस बात को खतियत दी गई कि पार्लिमानी इंतखाबात में इन गलतियों को जो असम्बली इंतखाबात के मौके पर हुई हैं से ना दोहराया जाए। इस इजलास में कई एक अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने केटीआर की जानिब से कांग्रेस कायदीन और वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू को सांप करार देने की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर और केटी रामा राव को दोबारा इख्तदार हासिल होने पर वो घमंडी हो चुके हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि आवाम वक्त आने पर दोनों कायदीन को सबक सिखाएंगे। तरफ घमंडी की एटीट्यूड है,
फार्मर प्राइम मिनिस्टर का बेटा एआईसीसी का प्रेसिडेंट को मुंगीज बोलता और मुंगूस चंद्रबाबु नायडू एक चीफ मिनिस्टर है उसको सांप के जैसा जानवरों का दर्जा दे रहा। मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ जो पार्टी का प्रेसिडेंट है लीडरों को जानवरों के जैसा देख रहा, तो इनका घमंड कितना है इससे समझ जा सकते। पढ़ा लिखा आदमी बोलता। सर, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने इंडियन एयरफोर्स की जानिब से दहशत पसंदों के मराकिस पर किए गए हमले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तानी आर्मी की इस कार्रवाई को सलाम करती है। उन्होंने बताया कि मस्कुरा कार्रवाई में 200-300 दहशत पसंद हलाक हुए हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स की जानिब से दहशत पसंदों के ठिकानों पर की गई जवाबी कार्रवाई का खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी आर्मी ने जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हमला करते हुए दहशत पसंदों का खात्मा करके जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, इसको कांग्रेस पार्टी सलाम करती है। उन्होंने बताया कि जिन मराकिस पर हमले किए गए वहाँ से उसामा बिन लादेन भी दुनिया भर में दहशतगर्दी को फैलाया करता था। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का, रुकन खान सास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। अनेक दशाब्दालुगा पाकिस्तान भारत देश मीद इंडायरेक्ट वॉर चेस्तू टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पेट्टी अक्कड़ नुंची भारत देशंलो అనేక సందర్భాల్లో అనేక నగరాల్లో ప్రాంతాల్లో విధ్వంసం సృష్టించడం యావత్ ప్రపంచం ఖండిస్తుంది. ఇంతకుముందు పార్లమెంటుపై జరిగిన దాడి కానీ, యూరి మిలిటరీ క్యాంప్ మీద దాడి కానీ, మొన్న పుల్వామాలో पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर सोदीन ओवैसी ने एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत मुकम्मल किए गए तरक्याती कामों के मायने की गरज से मुख्तलिफ असम्बली हल्केजात का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के एमपी लोकल एरिया फंड से मुख्तलिफ असम्बली हल्केजात में 15,09,84,243 रुपये लागती तरक्याती कामों की तकमील हुई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली कारवान, चारमीनार, बहादुरपुरा, चंद्रानगुट्टा और राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए मस्कुरा कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडा गर्ल्स डिग्री कॉलेज पहुंचकर वहां मुकम्मल हुए कामों की तफसीलात हासिल की, जबकि उन्होंने कारवान, टप्पा चबूतरा, गोलकुंडा और गोशा महल के कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन के अलावा डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। बाद अज़ां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली याखुतपुरा और चारमीनार के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कई इलाकों का दौरा किया और तकमील शुदा कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मंजिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, रियाजुल हसन आफंदी, महमूद सुहेल खादरी, अबू राहिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के असम्बली बहादुरपुरे के मुख्तलिफ इलाके जात रनमसपुरा, वट्टेपल्ली, फातिमा नगर व दीगर इलाकों में हुए कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मंजिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां के अलावा डिवीजन कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन, मोतीलाल नायक और अब्दुल हन्नान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी बाद अज़ां हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे के कई इलाके जात हाशमाबाद, इस्माइल नगर और बारकस ग्राउंड भी पहुंचे। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
इदारे मेस्को और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिदर की जानिब से मुश्तरका तौर पर डॉक्टर अशरफ मोहम्मद के सारानी के एजाज में तेहनती तकरीब का अहतमाम मेस्को ऑडिटोरियम मलकपेट में किया गया। वादा है कि डॉक्टर अशरफ मोहम्मद के सारानी ने नीट पीजी एंट्रेंस 2019 में कुल हिंद सतह पर टॉप किया है। तकरीब की सदारत मुशीर तेलंगाना हुकूमत एके खान रिटायर्ड आईपीएस ने की, जबकि गौस मोहियुद्दीन और दीगर ने मेहमान के तौर पर शिरकत की। इदारे मेस्को की जानिब से डॉक्टर अशरफ को 1,00,000 रुपए स्कॉलरशिप का चेक भी हवाले किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर सरबरा शाहीन ग्रुप और डॉक्टर फखरुद्दीन सरबरा मेस्को ने इस तकरीब से खिताब भी किया, जबकि इस मौके पर शहर की मौजूद शख्सियतें भी मौजूद थी। सबसे पहले तो यही है कि हमेशा हमें जितना भी अपनी और उससे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि हम हमेशा वही फील्ड चूज़ करें, वही लाइन चूज़ करें जिसमें हमको इंटरेस्ट है। बिकॉज कोई भी फील्ड कोई किसी एक फील्ड से बेहतर नहीं होती, क्योंकि अगर हम उस फील्ड में अपने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, अपना खुद का बेस्ट देते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हार्डवर्क ऑलवेज पेज, तो आप उस फील्ड में हमेशा एक्सेल हो सकते हो। यू कैन इफ़ यू गिव योर बेस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड यू विल बी एक्सेलेंट इन दैट फील्ड। सो आई केम इन द मेडिकल फील्ड, सो आई वॉज हैविंग बेसिकली व्हेन आई ड्यूरिंग माई यूजी पीरियड अंडर ग्रेजुएशन आई वॉज हैविंग अ गुड ड्रीम ऑफ गेटिंग सम गुड रैंक इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इन माई लास्ट 1 to 2 years आई हैड अ ड्रीम ऑफ दैट, बट एंड ऑब्वियसली आई नेवर होप फॉर द फर्स्ट रैंक, बट अल्लाह की फजल से मुझे एग्जाम में फर्स्ट रैंक मिला। बट देन अल्लाह भी उसी की हेल्प करता है, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो हार्ड वर्क करता है। सो बेसिकली देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क भी कुछ दिनों का नहीं, इट हैज़ टू बी परसिस्टेंट। अगर आप अपने गोल को हाई सेट करोगे, अपने ड्रीम को हाईएस्ट रखोगे, तो फिर ही आप अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर आपने आपको छोटी चीज़ों से अगर आप खुश हो गए हो, लाइक मैं तो ये कर लूँगा, आई विल डू दिस स्मॉल थिंग, तो आप खुद को ही डीमोटिवेट कर रहे हो, यू आर बेसिकली डीमोटिवेटिंग योर सेल्फ ओनली। सो फर्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर गोल्स एज हाई एज पॉसिबल। तो मैंने अपना ड्रीम रखा था कि मुझे एटलीस्ट नीट पीजी के एग्ज़ाम के अंदर सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, एंड वो पूरी मेरी 5.5 साल की 5.5 years की परसिस्टेंट हार्ड वर्क था और सबकी दुआएं थी जिससे मुझे फाइनली ये रैंक मिला। सो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ सबको कि हमेशा अपना गोल हाई रखें, कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, आई कॉन्ट डू दिस और आई कॉन्ट डू दैट। अगर आप पहले ये सोच लोगे किसी चीज़ के बारे में, तो आप फिर अपना बेस्ट कभी भी नहीं दे पाओगे। सो ऑलवेज थिंक आई कैन डू दिस, एंड सेकेंड थिंग कभी भी अपने माइंड में ये चीज़ को सेट नहीं करनी है कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। ये सोच के भी आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो। सो डिफ़िकल्ट तब कोई भी फील्ड में डिफ़िकल्टी तभी आती है हमको जब हम उस फील्ड के अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, वी डोंट हैव द पैशन फॉर दैट सब्जेक्ट और फॉर दैट फील्ड। So I was in the medical field by my choice and I had passion for this medical field. So reading medical books was always a passion for me. It was not nothing, I never felt it like a burden for me, wo mere liye koi burden nahi tha. शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के करीब खुली अराजी पर आतिशदगी हादसा रोनमा हुआ। मुतालिका पुलिस ने फौरी तौर पर फायर अमले को तलब किया, 2 फायर इंजन्स ने मस्कुरा आग पर काबू पाया। इस फायर एक्सीडेंट में कोई बड़ा नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने सिटी सिविल कोर्ट सेंट्रल नजारत सेक्शन के बेलिफ एन कृष्णा नायक को 35,000 रुपए बतौर रुश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक आरिफ मोहियुद्दीन
से उसने रुश्वत मांगी थी और एग्जीबिशन वारंट की तकमील के लिए उसने पहले 18,000 रुपये भी हासिल किए थे। एग्जीक्यूशन वारंट के सिलसिले में ही ये रकम रुश्वत के तौर पर मांगी गई थी। तहम उसने दोबारा 35,000 रुपये देने का मुतालबा किया, जिस पर शिकायत कुनिंदा एसीबी अहदेदारों से रुजू हुआ था। ग्रीन हिल्स कॉलनी अरीफ मोहिद्दीन अतन अतु हाउस टेनेंट अतु वाल ओनर अर्जेंट रेंट पेंचमन वालिदर मध्य कॉन्फ्लिक्ट वालों के कोर्ट ओनर्स खाली चेयकपोते दाने मीद कोर्ट ईन कांटेस्ट अच्छे कोर्ट दानी एविक्शन वारंट इश्यू एविक्शन वारंट इश्यू बेलीफ मुदावत कृष्णा नायक अत की एग्जिक्यूट चेयमन वारंट इश्यू आ रोज 23 तारीखन मुदावत कृष्णा नायक मरी मिगता वालू कंप्लें एवर उ ओनर्स वाल कलू एमी अंदर बलवंतार दरखास्त तरवा आयन दर 1 लाख रूपये डिमांड नी एग्ज वारंटी नी कोई रोज पोस्टा हाईकर्ट स्टेकु नी सां एवेक्षन वारंटी आयन की डिमांड 1 लाख रूपये तरह बदल पड़ते अब 70,000 रूपये की ओपंद फस्ट तरवा आयन दर 18,000 रूपये अप्डे इच्छेसा मिगता पैसा रेप तस्कोचन तरवा 24 तारीखन 23 24 सेम मल सायंत्र पूट माला दी सर मर इला 70,000 अड़ना आये आलरे वारंट मम्मी ने कंसल्टी मल्ल पोरा बाबू अड़ते मल रिक्वेस्टे अच्छे अभी काक 35,000 रूपये इन लास्ट सेटिलमेंट अच्छे मंडे रम्मन चपा मंडे विजयवाड़ अत बैठक इकड कोर्ट का रम्मे अतन वी 35,000 इतने मैं पटकना 35,000 रूपये आये दगर बैग नीचे पोजिशन सीज़ा चुस्को अत के आलरे नमोदी दाने टेक इन कस्टडी अंड मेकिंग एंक्वायरी। बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 पर वाक़े होटल स्काई ब्लू की तीसरी मंजिल पर आग भड़क उठी। इस हादसे से होटल में भगदड़ मच गई। इत्तला मिलते ही बंजारा हिल्स पुलिस ने फौरी तौर पर फायर अमले को मुतला किया और डिजास्टर टीम भी मकाम हादसे पर पहुंची। काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस बंजारा हिल्स ने इस सिलसिले में जाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सनसनी खैज जयराम मर्डर केस के सिलसिले में डीसीपी वेजोन AR श्रीनिवास ने कहा है कि इस केस के असल मुलजिम राकेश रेड्डी के बताने पर मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में विशाल साकिनेरा गड्ढा के अलावा एन नागेश ताकिन सार नगर और लक्ष्मी रेड्डी शामिल हैं। इनके तहत मुख्तलिफ दफात के सिलसिले में केस रजिस्टर किया गया है। इन्हीं दफात के तहत बंजारा हिल्स पुलिस ने भी 3 मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया। ACP बंजारा हिल्स के श्रीनिवास राव को इस केस का इंचार्ज बनाया गया है। राकेश रेड्डी और विशाल के अलावा नागेश को किराए पर हासिल किया गया था ताकि जयराम का मर्डर किया जा सके।
जयराम मर्डर केस में 3 अक्यूज को अरेस्ट कर रहा है, विशाल, नगेश और सुभाष चंद्र रेड्डी। ये तीनों को आज अरेस्ट करके कल उनको जुडिशियल कस्टडी को रिमांड में भेजा रहे हैं। ये तीनों लोग भी, इसमें दो लोग डायरेक्ट मर्डर में पार्टिसिपेट करें, एक विशाल का नाम का आदमी और राकेश रेड्डी, ये दो लोग जिस दिन मर्डर हुआ था ये दोनों लोग एक अपने गला घोट के मार दिए जयराम को। उसके बाद में छोटे फोटोग्राफ वीडियोग्राफ जो जिस ऑफेंस के दरमियान जो निकाले गए थे वो सुभाष चंद्र रेड्डी को राकेश रेड्डी अपने मोबाइल से उसको मोबाइल को ट्रांसफ़र किया और उसको प्रिजर्व करने के लिए बोला। तो इतना सेंसिटिव मटेरियल वो प्रिजर्व करके पुलिस को नहीं बताने की वजह से उसको भी अरेस्ट करा सुभाष चंद्र रेड्डी को। सो इन तीनों को अरेस्ट करके रिमांड को भेजा। आइए देखते हैं फिर के बात की खबर है। संगरेड्डी जिले के अमीनपुर पुलिस स्टेशन के तहत वाके आईटीडब्ल्यू कॉलोनी के साकिन 18 साल एक शख्स की नाश पुलिस को दस्तयाब हुई है। नाश की शिनाख्त के सिलसिले में बताया गया है कि 18 साल गौतम बीटेक फर्स्ट ईयर का ये तालिब इल्म है। पुलिस के मुताबिक एक मोबाइल फोन की खरीदी के सिलसिले में 10,000 रुपये वापस करने के मसले पर बहस और तकरार हुई और 4 अफराद ने मस्कुरा कत्ल किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और नाश को बरजे पोस्टमार्टम पटनचेरो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। मा अबाई गौतम बीटेक फर्स्ट ईयर का, मा अबाई फ्रेंड पवन अने अबाई फोन द्वारा फोन इपिस्तानो विनय उन्नाडु मा फ्रेंड अनि अन्नाडु पवन अने अबाई मा अबाई फ्रेंड అంటే డబ్బులు ఇమ్మన్నారు, నేను 800 ఇచ్చాను వినయ్ అనే అబ్బాయికి. ఆ అబ్బాయి 3 రోజులు అయినా ఫోన్ రాలేదు. ఫోన్ రాకపోతే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగితే ఆయన మోసగాడు, వాళ్ళు చాలామంది దగ్గర అలా తీసుకుని మోసం చేస్తున్నాడు అని ఇంట్లో వాళ్ళు అలా తెలిసింది. ఇంకా వదిలేసాము. తర్వాత మా అబ్బాయి ఫోన్ గురించి వేరే అబ్బాయి తోటి అడిగిస్తే మా అబ్బాయి మీద కష్టగట్టి తీసుకెళ్ళిపోయి కృష్ణారెడ్డిపేట చెరువు దగ్గర తీసుకుపోయి అక్కడ నొక్కే స్పీక్ నొక్కి గొంతు వచ్చి బొక్క మీద కొట్టేసి చెరువులో పడేసేసారు. కొట్టేసి ఎన్ని రోజుల క్రితం జరిగింది ఈ సంఘటన? మీ అబ్బాయి ఎప్పటి నుంచి లేదు? సండే ఈవినింగ్ 6 నుంచి జరిగింది. ఈవినింగ్ తీసిపోయారు ఆదివారం. ఆ రోజు నాకు నైట్ షిఫ్ట్ ఉండి వెళ్ళిపోయానండి, వస్తాడు కదా అని. తర్వాత రోజు మన మండే పొద్దున్న నుంచి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తాను చెప్పారు. సాయంత్రం నైట్కి ఎప్పుడో చెప్పారు, 12:00 టైంలో చెప్పారు. 1 టైంలో అందరూ వెళ్ళాం, సిఐ అందరూ కలిసి స్పాట్ టైంకి వెళ్ళాం. కృష్ణారెడ్డిపేట హైవే దగ్గర కొండల్లో లోపల చెరువు ఉంది, చెరువు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చూపించాడు ఆయన, పవన్ అనే ఒకటి చూపించాడు. అక్కడ చెరువు దగ్గర తీసుకెళ్ళి మేము 7 బయట. एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जीएचएमसी सर्कल नंबर 13 कैदतबा से वाबस्ता टैक्स इंस्पेक्टर एम सत्यनारायणा को 8,000 रुपए रिश्वत कबूल करते हुए हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक सैयद अब्दुल शालीम की शिकायत पर के टैक्स असेसमेंट फाइल में जानबदारी बरतने के सिलसिले में सत्यनारायण ने 8,000 रुपये रिश्वत तलब की, जिस पर एसीबी अहदेदारों ने मस्कुरा कार्रवाई की। उसके साथ ही बिल कलेक्टर के चरण को भी 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए एसीबी की खसूसी अदालत में उन्हें पेश किया गया। कुकटपल्ली जयानगर इलाके में विजिलेंस एनफोर्समेंट के डीसीपी राजू की जेर क्यादत विजिलेंस एनफोर्समेंट ने बड़े पैमाने पर धावे किए। इन धावों के दौरान तकरीबन 4 लाख रुपए मालियती वीवन ब्रांड के गुटके पैकेट्स जब्त किए गए। इस सिलसिले में केसेस भी दर्ज किए गए हैं। जी
भवानीनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके सिद्दीक नगर और अतराफ और कनाफ में साउथजोन पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च अंजाम दिया गया। डीजीपी साउथजोन अंबर किशोर झा की जेर ख्यादत तकरीबन 250 पुलिस अहलकारों ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान 42 टू व्हीलर्स जब्त किए गए जिनके दस्तावेजात सही नहीं थे। इलाबाजी 7 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया जिनके ताल्लुकात मुजरिमीन से पाए गए हैं। मुहिम के दौरान 14 रोडी शीटर्स को हिरासत में लेकर उनकी मौजूदा सरगर्मियों की तनकी की गई। इस मौके पर एसीपी संतोष नगर डिवीजन शिवराम शर्मा और डिवीजन ओहदेदार भी मौजूद थे। बाजार डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर झा ने मीडिया को तफसीलात बताई। 50 से अधिक ऑफिसर और मैन ने पार्टिसिपेट किया। इस पूरे प्रोग्राम के दरमियान 20 टू व्हीलर, एक थ्री व्हीलर और एक फोर व्हीलर जिनके ऊपर चालान पेंडिंग था, उनके कागजात सही नहीं थे, उनको अप्रिहेंड किया गया। 20 और गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं जिनके कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। इसी प्रोसेस में 14 राउडी सीटर्स और 7 सस्पेक्ट को भी चेक किया गया। कॉर्डन सर्च प्रोग्राम हमारे सिटी पुलिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें हम पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे ऑफिसर्स उनके पास जाते हैं, उनको मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनके तकलीफ़ों के बारे में उनसे पूछते हैं और फिर हमारे तरफ से जो हो पाता है हम वो करेंगे और जो चीज़ दूसरे डिपार्टमेंट की मदद से हम कर सकते हैं उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। इसका हम पब्लिक को, आवाम को भरोसा देते हैं। कुछ नए इनिशिएटिव्स भी सिटी पुलिस के द्वारा दिए जा रहे हैं, जैसे वाउ टीम है, हमारा पेट्रोलिंग है, रिसेंट पेट्रोलिंग है और कुछ चीज़ों के लिए हम पब्लिक से रिक्वेस्ट भी करते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सीसीटीवी कैमरा। जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है उससे क्राइम को डिटेक्ट करने में, प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद मिलती है, हमने कई जगह पर देखा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस इलाके में जहाँ तक हो सके सीसीटीवी कैमरा लगाएं और इससे आवाम को भी फ़ायदा होगा और पुलिस को भी क्राइम प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ भवानी नगर पुलिस स्टेशन के द्वारा 2 मार्च को एक फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है। आप लोगों से इस बात का भी रिक्वेस्ट है कि जो जिनके पास परेशानी है वो आए इस कैंप में, और ये बड़ा कैंप है जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, हर तरह के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आएंगे, उसमें भी आप आएँ और अपना टेस्टिंग करवाएँ जिससे कि आवाम और पुलिस का जो भरोसा है एक दूसरे पर वो और बेहतर हो और हम पब्लिक की अच्छी से अच्छी सेवा करें। सिकंदराबाद जुबली बस स्टॉप के करीब तेलंगाना स्टाफ वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से एक इजलास मुनाकिद किया गया और एहतजाज का प्रोग्राम मनाया गया। जिन शाहराओं पर मुसाफिर ज्यादा न होने की वजह से महकमे आरटीसी को बसों की वजह से नुकसान हो रहा है उसका नुकसान कॉरपोरेशन बर्दाश्त करने का मुतालबा किया गया और तमाम आरटीसी के प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज करने का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर हड़ताल करते हुए इनके मुतालबात को तस्लीम करने हुकूमत से इस्तदा भी की गई। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद की जानिब से शुरू करदा लर्न प्रोजेक्ट के तहत प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी। तारीखी इमारत गोलकुंडे में बैरिस्टर ओवैसी ने तालिबात से किया तबादले ख्याल। इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई का मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किया खैर मकदम, हुकूमत के इकदाम पर मसरत का इजहार। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से तकमील शुदा कामों का रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया मुआयना, मुख्तलिफ असेंबली हल्के जात का तूफानी दौरा। एसीबी के हाथों सिटी सिविल कोर्ट का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, महकमे इंसदाद रिश्वत के ओहदेदारों की जानिब से कार्रवाइयां जारी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।
हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।